कच्ची पकी दाढ़ी और चिकने प्लेन चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछ उगाए गए उपाय। नमस्कार दोस्तों, आधी अधूरी दाढ़ी का आना न केवल दिखने में बुरा लगता है, साथ ही साथ उसे हमें कटाकर बार बार साफ कराना पड़ता है। चेहरे पर दाढ़ी रखने का ट्रेंड दोस्तों तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन कई बार हमारे चेहरे पर बाल तो आ जाते हैं लेकिन उस तरह से दाढ़ी नहीं आती जिस तरह से हम चाहते हैं। चेहरे पर दाढ़ी न आने से दोस्तों कहीं ना कहीं हम दिखने में तो बच्चे ही लगते हैं, साथ ही साथ हमें समाज में कई तरह के नाम से पुकारा जाता है जो हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद। लेकिन दोस्तों ये जो आज हम आपके लिए उपाय लेकर आए हैं, ये उपाय आपके चेहरे पर चाहे कच्ची पक्की दाढ़ी हो या फिर आपके चेहरे पर दाढ़ी ना आती हो उसे काली और घनी दाढ़ी में बदलेगा ये उपाय। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कुछ विशेष बातों को बताया जाएगा जिससे आप अपनी दाढ़ी को हमेशा के लिए काली और घनी बना सकेंगे। तो चलिए ये जानते हैं। इस उपाय के लिए सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर एक लीजिए नींबू को। आप दोस्तों यहाँ पर एक नींबू लीजिए और उसे चाकू से कुछ इस तरह से बीच से काट दीजिए। आप दोस्तों यहाँ पर नींबू को काटिए और उसके बाद आपको दोस्तों ये आधे नींबू को इस तरह से चार पीस में काट लेना है। आप इसे चार छोटे छोटे पीस में दोस्तों काट लीजिए और इन्हें अलग कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे एवियन 400 के कैप्सूल को। दोस्तों जिन लोगों की कच्ची पकी दाढ़ी है, यानी कि उनके कई जगह पर दाढ़ी के बाल अच्छे हैं और कई जगह पर बिल्कुल भी बाल नहीं है, उनके लिए दोस्तों ये एवियन 400 का कैप्सूल बहुत फायदेमंद है क्योंकि ये चेहरे की पूरी दाढ़ी को एक जैसा करेगा। आपको दोस्तों एक टाइम की मसाज के लिए सिर्फ एक ही कैप्सूल लेना है और ये कैप्सूल आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएंगे। आप दोस्तों इस तरह से इस कैप्सूल को काटिए और इसका जेल जो है पूरी तरह से निकाल लीजिए। आप पूरा जेल निकाल लीजिए और एक खाली कटोरी में डाल लीजिए। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लेंगे कैस्टर के ऑयल को, यानी कि अरंडी के तेल को। दोस्तों जिन लोगों की दाढ़ी बिल्कुल पतली है, यानी कि बिल्कुल पतले बाल हैं जिसे हम हेयर फोलिकल्स कहते हैं, उनके लिए दोस्तों ये तेल बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि ये आपके हेयर फोलिकल्स को घने और मोटा करके एक घनी दाढ़ी में बदलेगा। आपको दोस्तों यहाँ पर ये कैस्टर ऑयल लेना है और कैस्टर ऑयल दोस्तों आपको चम्मच की मदद से आधे चम्मच के बराबर दोस्तों ये आपको तेल इसमें मिलाना है। आप आधे चम्मच के बराबर ये तेल जो है दोस्तों आप यहाँ पर डाल लीजिए। अब दोस्तों आप यहाँ पर ये नींबू लीजिए और इस नींबू के एक छोटे पीस को लीजिए और इसमें निचोड़ कर नींबू के रस को इसमें मिलाइए। आप इस तरह से दोस्तों सिर्फ एक ही पीस को मिलाइए और इसके बाद अब हमें यहाँ पर चाहिए होगा नीम चूर्ण। ये जो नीम चूर्ण है दोस्तों नीम के पत्तों को धूप में सुखाकर उसे पीस कर बनाया गया है। आपको दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल इतनी मात्रा में ये नीम चूर्ण चाहिए। आप दोस्तों ये नीम चूर्ण चाहे पंसारी की दुकान से खरीद सकते हैं या फिर आप इसे घर पर तैयार कर सकते हैं। आप इसे डालिए और इसके बाद आखिर में हमें ये जो चीज मिलाएंगे वो है दोस्तों ये कलौंजी। हमने दोस्तों यहाँ पर एक कलौंजी ली है। बालों की ग्रोथ के लिए दोस्तों कलौंजी बहुत ही फायदेमंद है, चाहे वो सिर के बाल हो चाहे आपकी दाढ़ी पे, और इसकी मसाज से बालों की ग्रोथ दोस्तों दोगुनी हो जाती है और जहाँ पर आपके बाल नहीं है वहां पर इसकी मालिश करने से आपके बाल तेजी से बढ़ने लगते हैं। आप दोस्तों यहाँ पर कलौंजी को बारीक पीस लीजिए। आपको दोस्तों इसे ग्राइंड करना है और बारीक पीस लेना है और आपको दोस्तों इसे 3 से 4 चुटकी के बराबर आपको इसमें मिलाना है। दोस्तों ये आपके हेयर फोलिकल्स यानी कि पतले बालों को घनी दाढ़ी में बदलने में फायदा करेगी। आप इसे मिलाइए और इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पर इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाएंगे और ये जो उपाय है दोस्तों हमारा तैयार हो जाएगा। आपको दोस्तों सिर्फ इसे इतना ही अपने चेहरे के हिसाब से बनाना है। तो चलिए ये देखते हैं आपको इसे कैसे लगाना है। इसके प्रयोग के समय दोस्तों आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि खाने में प्रोटीन युक्त भोजन आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है क्योंकि प्रोटीन आपके बालों को ग्रोथ और मजबूती देगा। और साथ ही साथ इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको दोस्तों अपने चेहरे पर हल्के गर्म पानी से स्टीम करनी है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है। आप दोस्तों इस उपाय को लीजिए और इस उपाय को अपने चेहरे पर वहां पर लगाइए जहां पर आपकी हल्की और पतली दाढ़ी है, यानी कि जहां पर आपके बिल्कुल पतले और बारीक बारीक बाल है। आप दोस्तों इसे अपने चेहरे पर बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज दीजिए और आपको इसे 10 से 15 मिनट तक करना है। आप अपनी मसाज अच्छे से कीजिए ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़े और उसके बाद दोस्तों आपको इसे 15 से 20 मिनट तक अपने चेहरे पर लगा कर रखना है। उसके बाद दोस्तों आप अपने चेहरे को पानी से धो लीजिए। ध्यान रखें दोस्तों आपको कोई साबुन या फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। आपको इस उपाय का प्रयोग हफ्ते में 4 दिन करना है। आप हफ्ते में 4 बार इसे लगाइए और 2 से 3 हफ्ते में ही दोस्तों आप देखेंगे कि आपके चेहरे की दाढ़ी बिल्कुल घनी और मोटी होने लगेगी। आपके बारीक पतले बाल मोटे दिखने लगेंगे और आपके चेहरे पर घनी दाढ़ी होगी। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और उन दोस्तों में भी शेयर करिए जो तरह तरह के प्रयोग करते हैं अपनी दाढ़ी उगाने के लिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।